नमस्कार, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मजल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको देसी तरीका बताऊंगा कि इससे आप लोग अपने डॉग को मजल की तरह कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, मैं अपने टॉमी पे कुछ भी यूज ना करूं, फिर भी इस पे मैं इंजेक्शन लगा सकता हूं, ड्रेसिंग कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ये मुझे काटेगा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डॉग्स में इमरजेंसी आने की वजह से उसको ये मजल लगाना पड़ता है और आपके पास ये मजल होता नहीं है। दोस्तों, ये अगर आपके पास नहीं भी है तो आप एक कॉटन क्लॉथ से काम चला सकते हो। वही चीज़ मैं आज के इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, सपोज डैट कि आपके डॉग को किसी डॉग ने काट लिया तो उसको घाव हो गया, ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे, ड्रेसिंग लगाएंगे, और आपके पास अगर ये मजल नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग इस कॉटन क्लॉथ के साथ भी जान लीजिए। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको इस तरीके से पकड़िए, इस तरीके से देखिए, नॉट लगाना इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे खुल जाएगा। जैसे आप लपेटते हैं ऐसे सिंपली लपेटना है इसको इस तरीके से। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए करते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये नॉट लगा हुआ है, ये नीचे वाला, इसको नीचे रखना है और इसको ऊपर रखना है, ठीक है। जहाँ प्लेन है इसको ऊपर रखना है और अपने डॉग को प्रेम से बुलाइए, टॉमी इधर आ जा, सिट डाउन, गुड बॉय, और इसको प्रेम से, ये देखिए ये ऊपर है, इसको ऊपर लगाइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको मुंह बंद करो, टॉमी मुंह बंद, गुड बॉय, और इसको इस तरीके से इतने कस करके बांध दीजिए कि ये मुंह ना खोल सके और इसको कोई भी दिक्कत भी ना हो, और पीछे इस तरीके से लपेटिए ऐसे और उसको बांध दीजिए। दोस्तों, मेरे डॉग ने ऐसा करने दे दिया है फर्स्ट टाइम ही, मैं सच बता रहा हूँ कि इसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये चीज़। मैं जैकी के साथ ट्राई करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे डॉग ने कुछ नहीं किया। अब मैं इसको खोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका डॉग ये पहले बार में करने नहीं देगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसके साथ ट्राई करना है। सबसे पहले तो इसको खोल लीजिए, आराम से खोलिए, इस तरीके से इसको अप्रिसिएट कीजिए। अब दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूँ कि आप अपने डॉग के साथ ये वाला चीज़ उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने का ये बेनिफिट होगा कि ये अगर अटैक भी करता है तो आप कुछ सेकेंड के लिए बच जाओगे। चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग अपने डॉग के साथ कैसे ट्राई कर सकते हो। आपका डॉग ये चीज़ करने नहीं देगा पहली बार में या फिर दूसरी बार में भी। दोस्तों, सिंपली आप पहली बार में क्या करो कि अपने डॉग को बुलाओ और इस तरीके से उसको लपेट दो। सिंपली ऐसे रखना है उसको, ऐसे रखिए और ऐसे करके पकड़ लीजिए और कहिए गुड बॉय, गुड बॉय, हटा दीजिए और कुछ खाने के लिए ट्रीट दे दीजिए। दोस्तों, पहले दो तीन दिन तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी तरीके से नॉट बनाना है, ठीक है। इस तरीके से नॉट बनाइए और अपने डॉग को इसी तरीके से पहना दीजिए, रुक जा टॉमी, गुड बॉय, और इस तरीके से हल्का सा नॉट पहना के छोड़ देना है और फिर धीरे धीरे प्लेइंग कीजिए इसके साथ, दो तीन दिन इस तरीके से कीजिए। उसके बाद अगले दिन, पाँचवें दिन, आप इसको इसी तरीके से लपेट के गर्दन के पीछे रखिए और मात्र दो सेकेंड छोड़िए, उसके बाद हटा दीजिए। फिर चार पाँच दिन के बाद ऐसे कर सकते हो। इससे आपका डॉग ट्रेंड हो जाएगा और ये क्लॉथ के साथ आसानी से कंफर्टेबल हो जाएगा और मजल पहनाने के लिए देगा। लेकिन दोस्तों, इससे बेटर होता है कि आप लोग ये मजल का यूज़ करें, ये बेस्ट होता है, डॉग को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मैंने टॉमी को कभी भी ये नहीं पहनाया है। सिंपली आपको इस तरीके से प्लेइंग करना है, पहले दिन तो केवल प्लेइंग करना है। आप अपने डॉग को इरिटेट मत कीजिए, इधर टॉमी, ये देखो, ये देखो, गुड बॉय, गुड बॉय, इस तरीके से कीजिए। और दूसरा ट्रिक ये होगा कि इसमें कोई सा भी ट्रीट, इसका फेवरेट रख दीजिए, कोई सा भी ट्रीट, और इसके सामने रखिए तो ये इस तरीके से खाएगा और उसके मजल के सामने आप छोड़ दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको ऐसे करके लगा दोगे, इसके माउथ में पहना दोगे और धीरे धीरे करते करते आप उसको बांध करके ड्यूरेशन बढ़ाते जाओगे, एक सेकेंड, दो सेकेंड, पाँच सेकेंड, फिर दस मिनट, इस तरीके से करके बढ़ा दोगे। फिर आप लोग ये मजल से भी ट्रेनिंग कर सकते हो। आप लोग बोलोगे तो मैं अपने टॉमी को ये मजल वाला भी ट्रेनिंग करवा दूंगा, बहुत ही सही रहेगा, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही इंजेक्शन का ट्रेनिंग दिया हुआ है ताकि ये इंजेक्शन आसानी से ले लेता है मेरा बाबू। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहे,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल के आइकन को भी दबा देना। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।